हेलो दोस्तों, बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। आज तो देखिए, आज बैंक निफ्टी कहाँ पे काम करेगा। ठीक है, देखिए आज बैंक निफ्टी में काफ़ी सपोर्ट लिया है। 43,150 का यहाँ पे एक लिया है, दूसरा यहाँ पे एक लिया है 43,150। तो मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए आज ऊपर जा चुकी है 43,350 के आसपास। देखिए मार्केट जो है आज गैप अप ओपनिंग होती है, गैप ओपनिंग होने के बाद जो हम यहाँ से बाइंग साइड में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से जब ओपनिंग होती है रिट्रेस करता है तो हम बाइंग में जाएंगे, या फिर नीचे के साइड में आते रिट्रेस करता है तो हम सेल साइड में जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट यहीं पे साइडवेज होता है तो हम थोड़ी देर रुकेंगे, मार्केट को अपना एक चार्ट बनाते देखेंगे। अगर चार्ट बनता है तो हम ले लेंगे बाइंग या सेलिंग के साइड में। अगर मार्केट जो फ्लैट ओपनिंग होता है 43,250 पे या 43,200 पे, तो हम यहाँ पे बाइंग साइड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम जो अपना सेटअप बंद कर देंगे। अगर मार्केट गैप डाउन देता है 43,150 के नीचे तो हम यहाँ थोड़ा वेट करेंगे, गैप अप सॉरी यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड आ जाए, पॉजिटिविटी आती है, जैसे हम यहाँ से बाइंग सेल कर लेंगे। बाइंग करने के बाद जो है हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे कि एक साइड में, क्योंकि मार्केट जो है आज बहुत साइडवेज हो जाएगा जिस तरह से आज ग्लोबल मार्केट है, और आज बहुत कम क्वांटिटी में हम जो है ट्रेड करेंगे क्योंकि आज मार्केट का कोई डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी जा सकती है। ठीक है, तो निफ्टी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी भी वैसे ही आज गैप ओपनिंग होने के बाद 18,900 के ऊपर जब गैप ओपनिंग होंगी तो हम यहाँ से जो है गैप बाइंग के साइड में चले जाएंगे। और तो डाउन साइड में आता है गैप डाउन पे तो हम यहाँ पे सेलिंग साइड में जाएंगे, और बीच में कहीं ओपन होता है तो हम थोड़ा वेट करेंगे, मार्केट को कंसोलिडेट करने देंगे, फिर अपना एक जो है ट्रेड ले लेंगे। तो इस तरह से आज हमारा बैंक और बैंक निफ्टी में रहेगा एनालाइज। तो देखते हैं क्या आता है चार्ट और ऑप्शन में, डाटा एनालाइज में भी देखते हैं प्राइस एक्शन में भी कहाँ काम आता है। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाकी थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।